कोई किसी का रिश्तेदार है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का माता पिता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घर घर में वास करता हूँ, हर जीव में वास करता हूँ। नमस्कार सीताराम साथियों, आज आ गए हैं एक ऐसी गुफा में जिसे कहा जाता है शेर की गुफा, और यहाँ एक संत और महात्मा जी रहते हैं जो कि बहुत ही सिद्ध शक्तियों वाले महात्मा हैं, और यहाँ पर घोर गुफा में तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंधेला है, जो महाराज जी कम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उनसे महाराज जी से चलिए चलते हैं और उनसे सत्संग करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए और क्या है जीवन की सच्चाई। तो देख ही सकते हैं कि आप महाराज जी यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और यहीं पर वो घनघोर जंगल के बीच में गुफा मिली है जहाँ पर वो तपस्या करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर और भी सत्संग के लिए आप आ सकते हैं, तो चलिए दिखाते हैं महाराज जी से सत्संग करते हैं। बगैर उसके हुक्म के कुछ नहीं होता है, फूल नहीं चाहे जिम कुछ लगा दो, बगैर उसके मर्जी से कुछ नहीं होता है, फूल भी निकलता है उसी की मर्जी से निकलता है, हम तुम जो खिलते हैं उसी की मर्जी से खिल रहे हैं, किसी को दिखता नहीं वो, उसकी जाति नहीं है। मैं हकीकत कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भगवान, भगवान का नाम नारायण है, भगवान का नाम शंकर है, भगवान का नाम राम है, भगवान का नाम बजरंगी है, उसका नाम नहीं है, बता दो आप। ये तो आप हम नाम रखते हैं एक, ठीक, आप एक दूसरे को रिझाने के लिए, एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, जैसे होता है गांव से घर में चले जाओ देहातों में, तो लोग गांव में ज्यादा ये सब पूजा पाठ किया करते हैं, शहर में आदमी कम करता है, वो बहुत कम करता है, वो तो मंदिर जाएगा, थोड़ी बहुत जल चढ़ाएगा, मत्थे टेके चलाएगा। गांव देहात के लोग क्या करते हैं कि बड़े हिसाब से 10 दिन पहले तैयारी बनाते हैं, बहनी बिटिया बुलाते हैं, फिर उसको बड़े चाहत से, बड़े लगन से वो कार्यक्रम करते हैं, उसे कहते हैं यज्ञ। जो 10 इंद्री से यज्ञ किया जाता है, वो नहीं कि करोड़ों रुपया लगा दो, 10,000 आदमी मंगा लो, बुला लो, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ नहीं है वो, यज्ञ है 10,000 आदमी मंगाया बुलाया गया यज्ञ है। जो 5 आदमी इकट्ठा बैठ के खा रहा है वो भी यज्ञ है, जो हवन कर रहा है वो भी यज्ञ है, थोड़ी हवन कर रहा है वो भी यज्ञ है। सिर्फ क्या है कि इसमें जित 10,000 आदमी आ जाएगा, 10,000 में आदमियों में मति सबकी अलग अलग होगी, अलग अलग विचार सबकी अलग अलग होगी। भगवान राम जब जनकपुर गए थे तो जनकपुर में भगवान राम सीता जी, जानकी जी देख रही थी भगवान राम को कि मेरे स्वामी कैसे हैं, और नर नारी जो वहां के थे, वहां के जितने जीव जंतु जैसे भी थे, सब भगवान के दर्शन करना चाहते थे। और जब भगवान के दर्शन करना चाहते थे, जीव जंतु से लगा के जो प्राणी है दर्शन करना चाहते, सिर्फ दर्शन होता है, जैसे तुम गुलाब का दर्शन करो, गंगा जी का दर्शन करो, पानी बह रहा है, गंगा जी बह रही है, कोई पौधा का दर्शन करो, अच्छा पौधा है, इसी तरह दर्शन होता है। सब लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, सभी लोग बैठ के खाया जाता है, और एक दूसरे का दर्शन किया जाता है, बस यही चल रहा है क्रम। तुम हमको खुश किया, हम तुमको खुश किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक। इस संसार में सिर्फ ईमानदारी, चाहे जहां चले जाओ, भगवान राम ईमानदारी, वो जानते थे कि संसार में ईमानदारी ही सच्चाई है। आप मेरे दरवाजे में बैठे हैं तो मैं आपको ईमानदार मानता हूँ, मैं आपको चोर बदमाश नहीं मानता, नहीं 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 नहीं। बताइए, जब मैं आपको इतना सज्जन पुरुष मानता हूँ तो आप सज्जन क्यों नहीं है भाई, बताइए। इसलिए कहते हैं बुरा खोजन मैं चला, बुरा मिला नहीं कोई, अपना दिल खोजने लगा कि मुझसे बुरा नहीं कोई। आदमी अपनी बुराइयों को नहीं खोजता, अपने आप को नहीं समझता। भगवान गीता में अर्जुन को यही दिखाया था कि सब कुछ तेरे अंदर है, बताइए, ऐसी आग है, ऐसी आग है कि उसको कोई रोक के मुझे दिखा दे। जब उसकी आग वो धधकती है ना, आर का पार करती है,
चाहे भूख हो तो भूख लगती है, नहीं वो आग है, प्यास है वो भी आग है, ये शरीर के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है और कुछ नहीं। तो ये जहाँ धरती में बैठे हैं, ये कभी आपको मना किया किसमें मुझ में पेशाब न कर? बिल्कुल नहीं। कि लेटिंग न कर, कि बैठना, कि सोना, कभी मना किया तुमको? कुछ नहीं। ये सब हम तुम कर रहे हैं एक दूसरे को, नारायण को किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा है। नारायण तो इतना बना दिया है कि तुमको कहाँ तक कोई लोग भगाएगा, कहाँ तक भगाएगा, कहीं कहीं तो मैं जगह दे रही हूँ आपको, अनंत है, अनंत है। इसीलिए जल इतना मात्रा में भगवान बना दिया है, बनाने वाला इतना अच्छा बनाया है कि कोई किसी का गुलाम नहीं है। इसलिए कहते हैं भारत स्वतंत्र है, भारत नहीं स्वतंत्र है, पूरा संसार स्वतंत्र है, पूरा संसार स्वतंत्र, हर एक प्राणी स्वतंत्र है, हाँ सब कोई स्वतंत्र है। इसलिए कि भगवान की दी हुई अमानत उसके पास, कोई नहीं कुछ कमाता है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई कुछ कमाता है, ना कोई कुछ लाता है, ना कुछ ले जाता है। सिर्फ एक ठिकाना के लिए आदमी, एक जैसे आप कहीं रास्ता में है, जंगल में है, तो कहें एक झोपड़िया बना लीजिए, आज की रात समय कट जाएगा, तो बांस गाड़ दिया, पन्नी डाल दिया, खाना पानी, पानी से बच गए आप बरसात से। इसलिए भगवान जो है श्री कृष्ण जी वहां पार्वती उठाए, एक छाया के किस, लोग समझे इस चीज को कि छाया भी कोई चीज होती, चार महीने बरसात होता है, खाना पीना लकड़ी के ईंधन नहीं भीगना चाहिए, है ना। इसलिए छाया बताया है, उन्हें गिरिराज नहीं उठाया है, एक छाया बताया है कि आप लोग ऐसे छाया बना सकते हैं, जब पानी होता है तो उसको छाया की जरूरत है, तो सब कुछ बह जाएगा तुम्हारा, क्योंकि भगवान की वो है, भगवान की अमानत है, वो इतना जल नहीं देगा तो चार महीना छह महीना साल भर आदमी गुरु पानी जानवर कहाँ पिएगा, सही बात। जीव जंतु जितना जंगल में पहाड़ में है, यदि गड्ढा नाली नहीं रहेगा तो कहाँ पिएगा अच्छी पानी, तो पानी नहीं टिकेगा, तो उनके लिए पानी कहाँ से जाएगा भैया, हमको तुमको तो देने नहीं जाना है। सब व्यक्ति आदमी कहाँ, ये बताइए नारायण कौन है? अभी हम तुमको कहें कि जाओ जंगल में पानी धरी आओ एक ड्रम, तो तुम नहीं जाओगे, और उसको ड्रम एक ड्रम नहीं बीसों ड्रम भरा पड़ा है पानी, भगवान बना दिया। इसलिए भाई मेरे सबको प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, कि हम मिलजुल के सब लोग रहें, सबका भाईचारा बना के रहें, सबसे बड़े प्रेम से गले मिल के रहें, सबका ईमानदारी से उसका साथ कुछ निभाएं, ठीक है, और सब लोग को अपना माने। ये संसार की दी हुई कमी नहीं, कमेगी नहीं, किसी से कुछ चीज मांग की जरूरत नहीं, सब कुछ, सब कुछ इस दुनिया में, बस खाली मानने की जरूरत है कि हाँ ये जा रहा है, तो इसको तकलीफ न दीजिए, जाने दीजिए, बोल रहा है तो बोल दीजिए, जैसा बोले वैसे बोलिए, क्योंकि वो भी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है, इसी में हम तुम दुआ दुख देने लगते हैं, ठीक है ना। तुम ये जो तुम घूम रहे हो इधर उधर जो आए हो, ये सिर्फ अपने आनंद के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जो तुम हमसे बैठ उठ रहे हो, हमारे पास बैठ रहे हो, हम तुम्हारे पास बैठ रहे हैं, बोला आइए बैठिए, ये हमारा धर्म है। कहते हैं कि ईश्वरन से जीव अविनाशी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घर घट में वास करता हूँ, हर जीव में वास करता हूँ, सही वो है, कण कण में वास करते हैं, जीव भी बोल रहे, ये भगवान है बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, उसकी श्वास है जी। तो सच्चाई कड़वी होती है, इसका भी विरोध करने वाला है व्यक्ति, जो मैं बोल दिया इसका भी विरोध करने वाला है, अरे वो तो पखंडी है, उसको क्या आया है, वो फलानी जाती है, दही मानी जाती है, वो काल का योगी फलाना है, दही माना फासण कर रहा, यानी मतलब एक दूसरे का ईर्षा, ईर्षा का मतलब यही जो समझने क्या लेके आए हो और क्या लेके जाना है, कुछ नहीं लेके आया ना कुछ लेके जाना, कभी बंजारा, कभी बंजारा घर बनाता है, घूमते रहते, उसकी परवाह नहीं रहता, उसकी इज्जत नहीं रहती, सब कुछ रहता है, सब कुछ है बराबर, वो नहीं खुश रहता, वो जानता, वो समझते है कि जहाँ चले जाओ भाईचारा बना के रहो,
अपने में भाईचारा बनाना पड़ता है। ये नहीं कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का रिश्तेदार है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का माता पिता है। एक अपना अपना फर्ज निभाया है सबने, बस फर्ज निभाया अपने अपने हित के लिए। वो बोले ऐसा होना चाहिए, उससे हमें आनंद मिलेगा। फिर इसके बाद ये हो गया कि यार ऐसा हो जाता तो हमको आगे चल के सेवा मिलेगी, कमी बनी रहेगी। ये हम तुम में कमी ही बनी है। मात अपने को समझ नहीं पा रहे, ठीक, समय ना गवाइए। आप मेहनत करिए, ये धरती में कमाइए, धरती से कुछ निकालिए। इसमें इसमें जो इसमें मेहनत करिए, धरती है ये अपना सीना चिरा रही है, आप चीर रहे हैं। कभी मना किया? कभी मेरा सीना न चीरो। यही आप हमारे ऊपर यदि फ्रूच लगा देंगे तो हम आपको मना करेंगे नहीं, है ना। तो ये भगवान हमको जल भी दिया, वायु भी दिया, आकाश भी दिया, धरती भी दिया, पहाड़ दिया, जंगल दिया, कोई फल फूल दिया, हर चीज दिया। बताइए कोई हमको जरूरत पड़ी बनाने की? कुछ नहीं, सब उसने बना, सब बना कर दिया। भाई हम इस जगह रह रहे हैं तो हमको पता है कि हमारे कम से कम हम इस जगह सो सकते हैं, इस जगह रह सकते हैं। घोंसला है बना, जैसे चिड़िया घोंसला नहीं बनाती, वैसे हमारा घोंसला।